दोस्तों 28 अप्रैल 2024 को एक बहुत बड़ा मुकाबला खेला जाएगा जो कि गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु के बीच में खेला जाएगा। यह मुकाबला नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद गुजरात में दोपहर के 3:30 बजे खेला जाएगा। अगर इस मुकाबले में दोनों टीमों की बात की जाए तो गुजरात टाइटंस, जिन्होंने पिछले 2 सालों में काफी बेहतरीन प्रदर्शन किया है, पहले साल में ही इन्होंने ट्रॉफी जीती है और अगले साल ये फाइनल भी खेलते हुए नजर आए थे हमें। वो अलग बात है कि ट्रॉफी हार गए, लेकिन इस टीम को हराना काफी मुश्किल हुआ करता था, लेकिन मौजूदा जो हाल है उस हाल में इस टीम को हराया जा सकता है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन फिर भी ये कहना जरूरी है कि इस टीम में 7वें-8वें नंबर तक बल्लेबाजी है जो कि किसी भी टीम को आसानी से हराने का दम रखती है। इस टीम में छोटे छोटे कंट्रीब्यूशन सभी करते हैं जिस कारण से ये टीम काफी बेहतरीन प्रदर्शन करती है। आरसीबी की बात की जाए तो आरसीबी सिर्फ और सिर्फ नाम से ही आरसीबी है, इनके काम जो है वो बिल्कुल ही अच्छे नहीं है। इस साल के आईपीएल में हर साल की तरह इस साल भी इन्होंने ख्वाब काफी बड़े दिखाए, लेकिन रिजल्ट के नाम पे कुछ नहीं है, बिल्कुल भी पुअर परफॉर्मेंस कर रही है ये टीम। लगातार बड़े स्कोर बना के भी हार जा रही है और छोटे स्कोर के चेस भी नहीं कर पा रही है। मैं तो समझता हूँ कि रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु के मालिकों को बोलना चाहिए आईपीएल गवर्निंग काउंसिल से कि इनकी जो डब्ल्यूपीएल वाली टीम है, जो महिला टीम है, उसका भी नामांकन किया जाए आईपीएल में, ताकि जब मेंस वाली टीम बुरा प्रदर्शन करे तो वुमेन्स वाली टीम आके रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु टीम को संभाल सके, क्योंकि इनके पास डब्ल्यूपीएल की भी टीम है और ट्रॉफी भी है और आईपीएल की भी टीम है, तो इनके लिए काफी अच्छा चांस होगा कि आईपीएल गवर्निंग बॉडी को ये बोले कि हमारी डब्ल्यूपीएल को भी ये अधिकार दिया जाए कि जब हम चाहें उस दिन में डब्ल्यूपीएल वाली टीम को खिला दें और जब मन करे तो हम आईपीएल वाली टीम खिला दें, क्योंकि इस टीम का परफॉर्मेंस बिल्कुल भी किसी भी तरह से अच्छा नहीं कहा जा सकता। सिर्फ और सिर्फ विराट कोहली के ही कंधों पर टीम टिकी हुई है, उसके अलावा कोई भी प्लेयर उस तरह का परफॉर्मेंस नहीं कर पा रहा जिस तरह के परफॉर्मेंस की हम लोग उम्मीद करते हैं या टीम को ऑनर भी उम्मीद करते हैं, और इसी कारण से ये टीम जो है पॉइंट टेबल पे 10वें नंबर पे बिलोंग करती है। तो अगर बात करूँ इस मैच के टिकट के बारे में जो कि गुजरात टाइटन वर्सेज रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु के बीच में खेला जाएगा 28 अप्रैल 2024 को, इसकी टिकटें दोस्तों इसी हफ्ते आएंगी बुकिंग के लिए। इस हफ्ते यानी कि 19-20 तारीख के आसपास में इस मैच की टिकटें बुकिंग के लिए अवेलेबल दिखाई देंगे आपको पेटीएम इंसाइडर पे इस मैच की टिकटें आएंगी। जब भी टिकट लाइन ओपन होंगी तो तुरंत जाकर टिकट बुक करने में आपको फायदा ही होगा कि आपको लो प्राइस वाली टिकटें मिल जाएंगी, वहीं टिकटों की होम डिलीवरी भी हो सकती है। अगर आप लेट करते हैं तो आपको सस्ती टिकट तो नहीं मिलेंगी, सिर्फ और सिर्फ आपको महंगी टिकट मिलेगी, वो भी जो बची कुछ टिकटें हैं वही आपको मिलेंगी, और वहीं आपको टिकटें जो है वो बॉक्स ऑफिस से कलेक्ट करना पड़ेगा क्योंकि टिकटों की होम डिलीवरी बिल्कुल भी नहीं हो पाएगी। तो इसलिए इसके टिकट लाइन जब भी ओपन होंगी तो तुरंत जाकर टिकट बुक कर लीजिएगा। बाकी मेरे पास जब भी जानकारी आएगी मैं तुरंत उसी पल दूंगा आपको, और हो सकता है कि मैं आपको वो लिंक प्रोवाइड करा दूं जिस लिंक के थ्रू आप डायरेक्ट जाके अपनी टिकट को बुक कर पाएंगे।